तो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हैं मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। गाइस फाइनली मार्वल ने इटर्नल्स का फर्स्ट टीजर रिलीज कर दिया और 2 मिनट के टीजर में कुछ मेजर स्टोरी लाइन नहीं बल्कि बहुत ही ऑसम इंट्रोडक्शन दे दिया है, जिससे ये पता चल जाता है कि फेज 4 की सबसे बड़ी मूवी सबसे पहली ही होगी जो कि बिल्कुल ही एक नए सुपर हीरोज के ग्रुप को इंट्रोड्यूस करती है। और भाई ये जो सुपर हीरोज है ना, पिछले आए सारे सुपर हीरोज से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, आप इन्हें कैप्टन मार्वल के टक्कर से कह सकते हो। और ऊपर से थैनोस और इटर्नल्स की एक फैन थ्योरी भी आई है जिसके बारे में मैं एंड में डिस्कस करूँगा। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने ब्रेकडाउन की तरफ। तो यार ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हमें अर्थ देखने को मिलती है और अर्थ पर अर्ली मैन। अब इतने से ही शॉट से आप बहुत कुछ बता सकते हो क्योंकि अर्ली मैन के बारे में यार आप सबने बहुत बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। और यहाँ पर ये क्लियरली पता चल जाता है कि इन्हें खेती करना नहीं आता और ये सब कुछ सूखा पड़ा है और इन सब के पास लकड़ी के हथियार हैं, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये अर्ली मैन का वो एरा है जहाँ मेटल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। खैर यहीं पर एंट्री होती है इटर्नल्स की उनके इनविजिबल शिप में और यहीं पर हमें 2 इटर्नल्स सर्सी और इक्रिस देखने को मिले। देखो ये दोनों करेक्टर्स जो है ना वो लव इंटरेस्ट होने वाले हैं और जिस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इन इटर्नल्स की थोड़ी सी स्टोरी। देखो जो सेलेस्टियल्स होते हैं ना वो बहुत मनमौजी थे यार, वो पूरे यूनिवर्स में इधर उधर घूमते ही रहते थे, तरह तरह की स्पीशीज पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे। एंड ऐसे ही वो एक बार अर्थ पर पहुँचे और उन्हें कुछ बंदर दिखे, मतलब ह्यूमन में इवॉल्व होने से पहले वाले बंदर। फिर उन्होंने कुछ बंदरों को पकड़ा और उन पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। पहले तो यार गड़बड़ हो गई और क्रिएशन हो गया डिवियंट्स का, और उसके बाद और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्रिएशन हुआ इटर्नल्स का। इस मूवी में हमें इटर्नल्स वर्सेस डिवियंट्स ही देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, थैनोस जो था वो भी एक डिवियंट ही था जो कि इटर्नल पेरेंट से हुआ था, मतलब कि इटर्नल्स में एक डिजीज भी है डिवियंट्स इंड्रोम करके। इसमें कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो डिवियंट जीन्स के साथ पैदा होते हैं, तो हाँ यही थैनोस के साथ भी हुआ था। तो चलो वापस आते हैं अपने ट्रेलर पे। तो यार इटर्नल्स का अर्थ पर आने का मेन रीज़न ये लग रहा है कि वो लोग ह्यूमंस को अपनी नॉलेज शेयर करने आए थे, बट मेरा गेस ये है कि इटर्नल्स को पता है कि डिवियंट्स का हमला कभी ना कभी अर्थ पर होगा ही होगा, इसलिए इटर्नल्स ने ह्यूमन के साथ अपनी नॉलेज शेयर करी जिससे उनका प्रॉपर इवोल्यूशन होगा। अब उसके बाद ही हमें यहाँ पे हमें उस शिप के अंदर का एक लुक देखने को मिलता है जहाँ पे हमें एंजेलिना जोली का कैरेक्टर थीना और सलमा हायक के कैरेक्टर आजक मिली। शिप पे ही हमें फेस्टोस और अंधेरे में ही स्प्राइट भी देखने को मिलता है। तो भाई फेस्टोस इटर्नल का टोनी स्टार्क है, बोले तो एक जीनियस इन्वेंटर है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी वो एक कोई डिवाइस बना रहा है और ये मोस्ट ऑफ द केस वेपन्स ही बनाता है। आगे के शॉट्स में हम वापस अर्थ पर आ जाते हैं जहाँ पे सर्सी ह्यूमंस को खेती करना सिखा रही है। बैकग्राउंड में ही हम अजक की आवाज़ सुनते हैं, वो बोलती है कि हमने उन्हें देखा है, हमने उन्हें गाइड किया है और हमने उन्हें चमत्कार करते हुए भी देखा है। यहाँ पर वो बताना चाह रही है कि कैसे हमने अर्ली ह्यूमंस को गाइड किया था और उसी का रिजल्ट आज ह्यूमन कितने डेवलप्ड हो गए हैं। अब आप यहाँ पे एक इटर्नल को अपने हाथों से पानी निकालता देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अजाकी ही होगी। और इस शॉट में जब ह्यूमंस इटर्नल के आगे झुक रहे हैं तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ह्यूमंस इन्हें गॉड्स का दर्जा दे रहे हैं। और हाँ, ह्यूमंस पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इटर्नल्स जो शिप से आए थे उसके बाद वो कभी यहाँ से अर्थ से गए ही नहीं, वो अर्ली मैन के टाइम से आज तक ह्यूमंस के बीच में रह रहे हैं। और इस शॉट में इन शॉर्ट फॉर श्योर इटर्नल्स का किसी के साथ यहाँ पर फाइट हुई है। और रही बात सिटी की, तो ये सिटी हो सकती है बेबीलोन जो कि हो सकता है मेसोपोटामिया में है, और सिर्फ कॉमिक्स में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ये एग्जिस्ट करती है। और एंड इंटरेस्टिंग ये है कि हिस्टोरिकली ये प्रूव भी हुआ है कि मॉडर्न ह्यूमंस यहीं से इवॉल्व हुए थे। एंड ऐसे ही और भी बहुत कुछ यहाँ रियल लाइफ से भी कनेक्शन किया जा रहा है। अगर हाँ कॉमिक्स में भी बेबीलोन की बात करें तो यहाँ पर एक बार इटर्नल्स ने डिवियंट्स के साथ फाइट की थी, तो यार शॉर्ट में यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक क्लियर शॉट मिलता है थीना के कैरेक्टर का। थीना जो है वो इटर्नल्स की सबसे ज़्यादा स्किल्ड फाइटर है एंड उसका जो वेपन होता है जो जनरली एक स्फीयर होता है जो कि किसी तरह के कॉस्मिक एनर्जी से क्रिएट हुआ होता है एंड ये शेप भी चेंज कर सकता है।
एंड उसके बाद हमें यहाँ देखने को मक्कारी मिलती है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एंशियंट चीज़ें भी रखी हुई हैं, एंड एक मॉडर्न लैंप भी रखा है और एक प्ले स्टेशन का VR भी रखा है। अब मॉडर्न चीज़ें और एंशियंट चीज़ें साथ में रखी हैं और ये पता चल जाता है कि इटर्नल्स अमर हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वो अर्ली मैन टाइम से अर्थ पर हैं। जैसे मक्कारी का सुपर पावर सुपर स्पीड है, आपको बुक के पढ़ने की स्पीड से पता ही चल रहा होगा, और ट्रेलर में भी एक झलक दिखाई गई थी। और ये शॉट मुझे यार सबसे सही लगा, क्योंकि यहाँ पे एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम में सर्सी का ट्रांजेक्शन दिखाया गया, जो कि ओवरऑल इस मूवी को भी एक्सप्लेन करता है। अजय की बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया अंटिल नाउ, और उसके बाद वो ह्यूमंस को गाइड करके चले गए, और उसके बाद कभी बीच में नहीं आए, भले ही वो वॉर या हो या फिर थैनोस आ जाए। और इस मूवी में ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि इन्फिनिटी वॉर के बैटल के टाइम ये कहाँ चले गए थे। ये है स्प्राइट का क्लियर लुक, एंड स्प्राइट का जो करेक्टर है वो देखने में एक बच्ची के टाइप में है, और ये अंदर ही अंदर में ह्यूमंस को हेट करती है, क्योंकि पूरी लाइफ में ह्यूमंस ने इसे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है। अब आते हैं सर्सी और इक्रिस पे। मैंने आपको बताया था कि इस मूवी में इनकी लव स्टोरी दिखने वाली है, और फॉर श्योर ये इंडिया में शादी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में ब्लैक नाइट की एंट्री होती है और सर्सी उसके पास चली जाती है। मतलब कि यहाँ पर ये फुल ऑन बॉलीवुड की स्टोरी चल रही है यार, और ये लव ट्रायंगल इस मूवी का मेन पार्ट होने वाला है। और वैसे भी किट हैरिंगटन इस मूवी में एक ब्लैक नाइट के सुपर हीरो का करेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि इटर्नल नहीं है। और उसके बाद बॉलीवुड का नाम आया यार, तो यार यहाँ पर किंगो की तो बात होगी होगी, क्योंकि वो इस मूवी में एक बॉलीवुड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और उसी के साथ एक इटर्नल भी है। यहाँ पर डांस सीक्वेंस को देखकर आपको सबने गेस कर लिया होगा कि किंगो जो है वो अपने बिहेवियर में बहुत यूनिक है, और वो जहाँ पर भी जाते हैं अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाते हैं। आपने पहले ईबू अटेला वाला शॉट तो देखा ही होगा, जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग करते हुए पाए गए थे। फाइनली अब हमें मिलता है ये बिग शॉट, जहाँ पे सारे इटर्नल्स अपने रियल लुक में हैं। किंगो, मकारी, गिलगमेश, थैना, इक्रिस, अजैक, सर्सी, स्प्राइट, फेस्टॉस एंड ड्यूक। एज ऑलवेज ट्रेलर का एंड होता है फन वे में, जहाँ पर सब खाना खा रहे होते हैं। पहले तो यार ये शॉट देखकर मुझे एवेंजर्स का शॉट याद आ गया। उसी टाइम स्प्राइट बोलती है, जब कैप्टन रॉजर्स और आयरन मैन नहीं रहे तो एवेंजर्स को कौन लीड करेगा, जिस पे इक्रिस बोलता है कि वो कर सकता है, और सब उस पे हंसने लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक इटर्नल एवेंजर्स को लीड करेगा। एंड हाँ, टीजर की बात करें तो इन्होंने प्लॉट की कोई बात डिटेल नहीं रिवील करी है, बस इसमें ये दिखाया गया है कि इन्होंने ह्यूमंस को बहुत कुछ सिखा दिया है, और रिवोल्यूशन के पार्ट मेन पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। वैसे इस मूवी का मेन विलन ग्रूव नाम का एक डिवियंट है, जो कि स्क्रल्स की आर्मी का लीडर है। वैसे कॉमिक्स में इंटरेस्टिंग ये था कि थैना और ग्रूव की लव स्टोरी चल रही थी। भाई ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी ना दिखाया जाए, शायद कुछ ऐसे ही दिखा दे। वैसे वो थैनोस वाली फैन थ्योरी ये थी कि यहाँ पर सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि थैना और ग्रूव का बेटा थैनोस हो सकता है। तो भाई अगर ऐसा कुछ इस मूवी में दिखा दिया ना, तो यार मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो मुझे बता देना। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, लाइक ठोक दो यार जाकर, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।